हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो मैं SR बैंकरिया और बेसिकली आई एम हेयर टू इंट्रोड्यूस यू इन फ्रंट ऑफ यू। दिस इज़ माय एल्बम, अपकमिंग एल्बम, स्लैंग ऑन एंटी नेशनलिस्ट। एंड वन मोर थिंग दैट आई एम गोना अनाउंस अपकमिंग वेब सीरीज दैट इज़ होम एलोन। सो वी गोना शूट इट ऑन नेक्स्ट अगस्त। एंड मेरा आइडिया इसको करने का एक बेसिकली ये था कि आजकल बहुत सारी चीज़ें चल रही है मार्केट में, जैसे कि लोग क्या करते हैं कि अपनी पर्सनल ग्रस को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करते हैं। इट मे बी एनी थिंग वॉट एवर, बट मैं ये चाहता हूँ कि यार बाकी सब चीज़ें अलग है, बट जो नेशन है, नेशन इज़ बेस्ट ऑलवेज। तो हमें अपने नेशन को हमेशा फर्स्ट रखना चाहिए, वी शुड नॉट कीप इट सेकेंडरी। तो इसमें कुछ रैप्स है मेरे एंड कुछ मेलोडीज है, तो दैट्स गोना बी, यू कैन लिसन इट एट माई ऑफिशियल पिनाक स्टूडियो यूट्यूब चैनल। And next, all yours. Okay. And she is Rajni Mehta, and she is playing lead against me in my upcoming web series, Home Alone. Yes. आप बताइए अपने बारे में, आपका नाम है, कैसे आप कोलैबोरेट किया उनके साथ में? Actually, मेरा नाम रजनी मेहता है और मैं इन्हें बहुत टाइम से जानती हूँ, एक्चुअली अभी से नहीं। और वैसे तो मैं काफ़ी सारी मूवीज़ कर चुकी हूँ एज अ लीड, पर इनके साथ पहली बार काम करने जा रही हूँ और हम एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। नथिंग एनीथिंग एल्स। जो ये है, मतलब ये अनाउंसमेंट है, हाँ जी, होम अलोन मतलब किस तरह की स्टोरी है, म्यूजिक है? ये एक्चुअली थ्रिल है, सस्पेंस है और सम हाउ ड्रामा है। तो दैट नेक्स्ट आप लोग देखेंगे आगे, जब वेब सीरीज आएगी तो उसमें आपको मिलेगा। एंड वी गोना लॉन्च अ ट्रेलर बिफोर रिलीजिंग इट, so that you will get much more idea about that. इसके बारे में बताइए, स्लैंग ऑन एंटी नेशनलिस्ट। सो ये जो आइडिया मैंने पहले भी बोला कि मैं ये चाहता हूँ कि यार हमें अपने नेशन के प्रति हमेशा वफादार रहना चाहिए। और लोग क्या करते हैं कि दैट वो यहाँ पे अपने नेशन में, हमारे नेशन में जन्म लेते हैं, मीन्स सबका ही नेशन है, तो हमारे नेशन में जन्म लेते हैं, यहीं पे पलते बढ़ते, यहीं पे खाते पीते सब कुछ। कौन हमें, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारा नेशन। तो बेसिकली जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम उसी को भूल जाते हैं, लाइक हम उसको सेकेंडरी कर देते हैं। यार नेशन इज़ इट्स ओके, बट हमारी पर्सनल थॉट्स, हमारी पर्सनल चीज़, यार मुझे तो ये करना है, अब एनी हाउ मुझे इसके लिए अगर करप्शन भी करना पड़ा तो मैं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि यार ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, बिकॉज तुम अगर पहचाने जाते हो कहीं भी तो तुम्हारे नेशन की वजह से पहचाने जाते हो। तो मेरा बेसिकली आइडिया है, इसमें मैंने कुछ स्लैंग्स रैप यूज़ किए हैं, दैट देयर इज अ सॉन्ग हिंदुस्तानी, तो उसमें कुछ स्लैंग्स यूज़ किए हैं दैट मैं, मेरे लिए अगर कोई नेशन के खिलाफ है तो वो मैं उसको पसंद नहीं करता। मैं यही चाहता हूँ यार, तुम कुछ भी करो, अपनी पर्सनल लाइफ सबकी होती है, तो जस्ट बी लॉयल फॉर योर नेशन। इसकी दो गाने गुनगुनाओ जरा लाइन दो। लाइक स्लैंग ऑन नेशनलिस्ट का पहला एक तो फेयर सॉन्ग है, दैट्स वंदे मातरम। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। एंड द नेक्स्ट वन इज जो स्लैंग वाला है वो, इट इज़ लाइक दैट कि यार लड़ना होगा, भिड़ना होगा, डर छोड़ के बढ़ना होगा, लड़ना होगा, भिड़ना होगा, डर छोड़ के बढ़ना होगा, अपनों से मक्कारी कैसी, हिंद से गद्दारी कैसी, अपनों से मक्कारी कैसी, हिंद से गद्दारी कैसी, तेरी आँखों पे पट्टी है क्या, तू इंसानी टट्टी है क्या, तेरी आँखों पे पट्टी है क्या, तू इंसानी टट्टी है क्या, क्या टट्टी है क्या, इट इज़ समथिंग लाइक दैट। सो बेसिकली मेरा थॉट यही था इसको क्रिएट करते टाइम कि यार तुम सीरियसली तुम क्या सोचते हो, क्या सोच क्या रखते हो अपने नेशन के बारे में। तो लाइक अपना अपना तरीका होता है स्लैंग करने का, कोई डायरेक्टली स्लैंग करता है, बट आई हैव नॉट दैट नेचर। मेरा एक तरीका है कि यार मैं या तो अपनी पोएट्रीज के थ्रू किसी को स्लैंग करता हूँ, या फिर अब नाउ रिसेंटली आई एम डूइंग विद दिस एल्बम। सर आपके सेकंड गाने की बात करें, स्लैंग ऑन एंटी नेशनलिज्म, जी दिमाग में आया किस तरह का गाना बना, कोई स्टोरी आपने देखा होगा या कोई आजकल देश का माहौल भी कुछ ऐसा
हाँ बेसिकली नॉट आजकल जो माहौल है उससे लेके नहीं है ये, काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में चल रहा था। तो लाइक जैसे कि बेसिकली इनिशिएशन वाज फ्रॉम पुलवामा अटैक, बट दैट टाइम आई वाज नॉट मीन्स मैं यार ठीक है ओके हो जाएगा, नेशन गवर्नमेंट है कर रही है सब कुछ कर रही है, तो फिर बट यार चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, कम तो नहीं हो रही। और कहीं ना कहीं जब देखने को आता है कोई भी चीज़ आती तो हम बेसिकली एक नेशन नेशन एक एक टाइम तक लेके चलते कि हाँ नेशन ओके नेशन, बट फिर उसको भूल जा रहे हैं। देन आई डिसाइडेड कि यार अभी बेसिकली 15 अगस्त आ रहा है तो मैं क्या यार ये सही टाइम है, वी शुड गो अहेड विद इट। इसके पहले आपने क्या क्या कुछ किया है उसके बारे में बताइए। इसके पहले मैंने एक मूवी की है बट दैट्स रिलीज़ नहीं हुई वो, और उसके पहले फिर मैंने एक सीरियल किया था 6-7 महीने तक टेलीकास्ट हुआ था। देन रिसेंटली आफ्टर लॉकडाउन यू ऑल नो वॉट इज़ लॉकडाउन एंड वॉट वॉज द कंडीशन ऑफ इंडस्ट्री, सो रिसेंटली आई एम डूइंग क्राइम एपिसोड एज अ लीड एंड बताइए इसके बारे या में। अभी आपने कहा कि आप वेब सीरीज भी अनाउंस कर रहे हैं, तो वेब सीरीज के बारे में बताइए, कलाकार कौन होंगे, क्या स्टोरी होगी, कैसे या दैट आपको इज़ बताया। टू आर्टिस्ट स्टोरी मी एंड शी एंड दैट्स थ्रिल ड्रामा एंड सस्पेंस, बट आई कैन नॉट डिस्क्लोज मोर थिंग अबाउट माई वेब सीरीज सो दैट वेन एवर वी विल लॉन्च इट एज अ ट्रेलर